Hello everyone, welcome to Aspiring Dream Civil Services. How you all are doing? Hope so you all are doing good. Today I am going to start one of the important part for MPPCS exam, which is going to be held on 25th July. And this part is very very important for exam because current affairs se around 30 to 40 questions aayenge. So that's why ये video मैंने जो है इस exam के लिए specially बनाया है. Exam में कम time रह गया तो आप बस ये videos जो है देख कर चले जाना, तो यहीं से आपके सारे current affairs के question cover हो जाएंगे. And in this video I will provide you 1 year current affairs. So एक video में मैं आपको एक साल का पूरा current affairs provide कर दूंगी. And this is from September 2020 to June 2021. And these are very most important current topics which will be expected topics for coming exam on 25th July. So friends, मैंने already आपको crash course के लिए 4 videos बोला था कि I will provide 4 videos for MPPCS exam, जिसमें मैंने आपको already 3 videos दे दिए हैं. तो जिसने ये videos part नहीं देखा है, part 1, 2, 3, सो जाइए मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है MPPCS के नाम से, वहाँ पर जाकर आप वो तीनों वीडियोस देख सकते हैं. और 4th वीडियो जो है मैं वो अभी आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगी. सो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बिकॉज इससे इसके बाद आपको कोई और चैनल से कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है. मैंने यहाँ पर सब कुछ कवर कर दिया है. सो देयर विल बी डेफिनेटली क्वेश्चंस इन एग्जाम फ्रॉम दिस वीडियो. So please watch this video complete, and अगर आप इस channel पर new हैं तो subscribe this channel first of all, so that you will get all notification from this channel and you will watch all videos from this channel. So let's start with today's video. Aspirants, exam में जो current affair हैं, questions आते हैं from 1 year to 6 months, तो इसलिए मैंने आपको 1 year का current जो है यहाँ पर cover करा दिया है. So let's start with December 2020 current affairs. India's first hot air balloon wildlife safari in a tiger reserve were launched in world famous Bandhavgarh Tiger Reserve of MP. So India का सबसे बड़ा जो hot air balloon wildlife safari है, जो कि एक tiger reserve में open हुआ है, वो कहाँ पर open हुआ है? Bandhavgarh Tiger Reserve of मध्य प्रदेश में हुआ है. और ये किसने किया है? By मध्य प्रदेश के जो forest minister हैं विजय शाह, उन्होंने किया है. And the state was planning to introduce this service in Panch, Kanha and Panna Tiger Reserve as well. So इसको साथ के साथ और कहाँ कहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं? Panch Tiger Reserve जो है वहाँ पर भी, Kanha में भी और Panna Tiger Reserve में भी. So this service जो है it will be operated by the Jaipur Bay Sky Vaults. So 3 points are important. कौन से Tiger Reserve में किया है? बांधवगढ़ में. किसने किया है? Forest Minister है जो MP के विजय शाह जी, उन्होंने किया है. थर्ड पॉइंट क्या है? किसने किया है? जयपुर की कंपनी है स्काई वॉल्स, उसने किया. और क्या किया है? इंडिया का फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी में टाइगर रिजर्व में जो है लॉन्च किया है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस टॉपिक. नाउ कम टू नेक्स्ट, हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज ऑफ ग्वालियर एंड ओरछा. सो दो हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज हैं एमपी की, एक ग्वालियर में है और एक ओरछा में है. दीज हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज अंडर इट्स अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम. सो ये दोनों के नाम याद रखना है सिटीज़ के. ग्वालियर और ओरछा को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ में इंक्लूड कर दिया गया एज पर द अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसने रिलीज किया है स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 एंड विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिकॉर्डेड 60% rise in leopard population. So this question can be come. So this is MP. MP में जो है वो highest number of leopard है country में, वो कितने हैं ये number भी आपको याद रखना है, 3421. और second number पे कौन है? Karnataka है with 1783 leopard population. और यहाँ पर total number of leopard कितने हो गए हैं leopard population के, जिसमें 60% increase हुआ. India में कितने हैं total? 12,852. तो ये सारे पॉइंट्स फैक्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, वेटरन कांग्रेस लीडर मोतीलाल वोरा 2 टाइम सीएम ऑफ एमपी हैज पास्ड अवे. तो इनका नाम भी आ सकता है बिकॉज ये 2 बार एमपी के सीएम रहे हैं और इनकी अभी डेथ हो गई है कोविड की वजह से. एंड ही वॉज द 13th सीएम ऑफ एमपी फ्रॉम 1985 to 1989. तो ये कब से थे ये भी पूछ सकते हैं. एंड ही आल्सो सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ यूपी. तो ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं, तो ये यूपी में भी आ सकता है और एमपीपीसीएस के एग्जाम में भी आ सकता है.
Now come to next important point. Ministry of Youth Affairs and Sports has decided to include 4 indigenous sports in the 4th Khelo India Youth Games. So Ministry of Youth Affairs ने 4 sports जो है new add करने के लिए बोला है. कहाँ पर? Khelo India Youth Games जो होने वाली है हरियाणा में होने वाली है. ये 4th edition है और 2021 में होने वाली है गेम्स. ये तीनों पॉइंट आपको लर्न रखने हैं और चारों गेम्स के नाम याद रखने हैं. नंबर 1 इज मलखम, सेकेंड इज गटका एंड थर्ड इज थांगता एंड फोर्थ इज कलरी पट्टू. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. मध्य प्रदेश वोन द अवार्ड ऑफ बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स इन द फिक्की इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2020. सो दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज स्पोर्ट्स से अराउंड 10 क्वेश्चन MPPCS के एग्जाम में रहेंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स के स्पोर्ट्स हो या फिर वो स्टैटिक जो स्पोर्ट्स है वहाँ से भी पूछ सकते हैं. तो फिक्की ने यहाँ पर एक अवार्ड दिया है, एमपी ने जो वन किया एमपी ने जीता है. तो बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स है उसका नाम. और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था फिक्की के बारे में भी बता देती हूँ थोड़ा सा. 1927 में हुआ था एंड इट्स प्रेजेंट प्रेजिडेंट कौन है? उदय शंकर हैं. तो ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है. मतलब मैं इस वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी और जरूरी नहीं है ये सिर्फ एमपी के एग्जाम में आएंगे, अदर स्टेट्स में भी पूछ सकते हैं. तो इसको सारे स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स इसको देख सकते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट वर्चुअल आदि महोत्सव लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश बाय ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा. सो फर्स्ट वर्चुअली मीन्स ऑनलाइन जो है आदि महोत्सव लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश में. वहाँ के जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा ने. एंड फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज कौन से मिनिस्टर ने किया है? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही करेगी एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और ट्राइफेड ने. तो दोनों ने मिलकर इसको किया है. Now come to next important point. Elements of Quantitative Genetics, a conceptual approach is written by Professor Dr. Stuti Sharma. So इस book का नाम आपको याद रखना है और इसके author का नाम याद रखना है. Book का नाम है Element of Quantitative Genetics, a conceptual approach. किसने लिखी है? Dr. Stuti Sharma ने. और इसके co-author कौन है? मनोरंजन विश्वाल. So this book is very important because it is released by CM of मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान. Now come to next point. Rag Bhopali exhibition to promote the craft of Jari Jardoji. So Rag Bhopali एक exhibition है जो कि craft Jari Jardoji के लिए यहाँ पर held की गई है. और इसका main aim है कि traditional जो art जो है वो means tradition में रहे और वो सब लोग इसको promote करें and to develop the opportunities for the employment मिले artisans को art and craft में. So Jari Jardoji is very important. इट कैन बी आस्ट इन आर्ट कल्चर पार्ट में भी MPPCS में पूछ सकते हैं कि ये कहाँ की है. क्राफ्ट Jari Jardoji इज फ्रॉम मध्य प्रदेश. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. MP कैबिनेट अप्रूव धर्म स्वतंत्र दैट इज रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020. सो ये बिल भी इम्पोर्टेंट है. इसका एम क्या है? टू आउटलो द इंटर रिलीजियस मैरिजेस जो है उनको आउटलो करना है, मीन्स उनको रोकना है. एंड द नेक्स्ट इज विच टेक प्लेस विद द ओनली मोटिव ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन. सो जो रिलीजन धर्म परिवर्तन करके जो मैरिजेज हो रही हैं तो उसके वो रोकने के लिए मिली ये बिल पास किया गया है. एंड एनी कन्वर्जन ऑफ माइनर और अ वुमेन और अ पर्सन बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी अगेंस्ट देयर विल. सो SC/ST कैटेगरी या कोई भी माइनॉरिटी वुमेन या माइनर है जिनके रिलीजन को चेंज कर दिया जाता है उनकी मैरिज के लिए, तो उसको ये रोक लगाया गया. और इसमें जो है अगर ऐसा कोई करता है तो उसको फाइन देना पड़ेगा ऑफ ₹50,000 और इवन जेल भी हो सकती है 2 से 10 साल की. सो मास फोर्स्ड कन्वर्जन जो हो रहा है इट विल अट्रैक्ट अ फाइन ऑफ ₹1,00,000. सो अगर कोई मास लेवल पे बड़े लेवल पे कन्वर्जन कर रहा है तो उसको 1,00,000 का फाइन देना पड़ेगा और 5 से 10 साल की जेल हो सकती है. एंड द एक्ट ऑल्सो रिप्लेस द एग्जिस्टिंग लॉ अंडर द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1968. तो ये न्यू बिल जो है इसने कौन सी एक्ट को रिप्लेस किया है? जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट थी 1968 को. तो नाउ कम टू जनवरी 2021 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर एमपी एग्जाम. मध्य प्रदेश के जो सीएम है श्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लॉन्च किया है पंख अभियान. सो इट इज कम अंडर द बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका नाम याद रखना पंख अभियान. और इसका मेन एम क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है और ग्रोथ करना है ऑफ द गर्ल चाइल्ड की ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे. तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है. किसने लॉन्च किया है? यहाँ के जो CM है उन्होंने किया है. नाम याद रखना है आपको. और कब किया है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे किया है, दैट इज 24 जनवरी को किया है. नाउ पंख का फुल फॉर्म क्या है? P स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स,
N is for nutrition, K is for knowledge, and H is for health. So this Abhiyan will go for a 1 year ke liye chalega. And some facts about the Madhya Pradesh is that UNESCO has allotted Panna Tiger Reserve in the Madhya Pradesh Biosphere Reserve. तो जो Panna Tiger Reserve है वो अब Biosphere Reserve status में आ गया है. Now come to next point. MP government and IIM इंदौर ने मिलकर एक MOU memorandum of understanding sign किया है to build up a roadmap for आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश. And next point is Wipro is act as a knowledge partner to the Madhya Pradesh with reference to new education policy. So new education policy जो MP की उसमें कौन work कर रहा है उसके साथ as a knowledge partner Wipro company. इसका नाम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में. तो विप्रो जो है इट विल एस्टैब्लिश अ यूनिवर्सिटी इन भोपाल. सो ये भी इम्पोर्टेंट है. विप्रो कंपनी एक भोपाल में यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कर रही है टू डेवलप द अपॉर्चुनिटी टू द यूथ ऑफ मध्य प्रदेश इन द आईटी सेक्टर एंड आल्सो डेवलप अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर भी बना रही है भोपाल में. सो ये कोई भी पॉइंट जो है क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है. ध्यान से सुनना सब. मैं आपको इसलिए तोड़ तोड़ के सारा क्वेश्चन फॉर्म की तरह याद करा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में याद रहे. इवन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है is actively working in 5 districts of Madhya Pradesh already to establish Adarsh Anganwadi at Jawahar Bal Bhavan in Bhopal. So this is also very important point. Now come to next point. Northern Coal Field Limited jo hai Madhya Pradesh mein was awarded for its performance in coal production and productivity in the Coal Minister Award 2020. So Coal Minister Award 2020 mein कौन सी कंपनी को मध्य प्रदेश के अवार्ड मिला है? नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो है मध्य प्रदेश की उसको मिला है. एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय द मिस्टर प्रहलाद जोशी हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइनिंग. सो दीज बोथ पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एमपी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021 बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. तो डीबीटी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में जो सब्सिडी प्रोवाइड करने वाली फर्स्ट स्टेट बन गई है जनवरी 2021 में एमपी. एंड इट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड वन ऑफ द 3 एम रिफॉर्म इन पावर सेक्टर. और इवन पावर सेक्टर में इसने 3 मेन रिफॉर्म की है. एंड दिस अचीवमेंट ऑफ एमपी इज एलिजिबल टू रिसीव बोरोइंग इक्विवेलेंट टू 0.15% ऑफ इट्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो इसमें कितना इक्विवेलेंट है ये ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, ये फैक्ट भी याद रखना है, 0.15%. एंड इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है फंड ऑफ रुपीज 1023 करोड़ का थ्रू ओपन मार्केट बोरिंग टू द स्टेट ऑफ एमपी. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है विद अ कैपेसिटी ऑफ 600 मेगावाट ऑफ पावर इज बीइंग बिल्ट एट ओमकारेश्वर डैम ऑन नर्मदा रिवर इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी. सो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ पर बन रहा है, तो याद रखना है एमपी में. डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे तो खांडवा डिस्ट्रिक्ट. कौन सी डैम पे बन रहा है, ओमकारेश्वर डैम. या कौन सी रिवर पे बन रहा है, तो नर्मदा रिवर. और कितनी कैपेसिटी है ये भी पूछ सकते हैं, तो 600 मेगावाट ऑफ पावर कैपेसिटी. नाउ इट विल बिगिन. और कितनी पावर जनरेशन करेगी इलेक्ट्रिसिटी की, कब तक करेगी, बिगिन मीन्स कब होगा, 2022 से 2023 में होगा ये स्टार्ट. अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मीन्स अभी होगा नेक्स्ट ईयर. एंड एस्टिमेटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, अराउंड 3000 करोड़ है, विच इज मेड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक एंड पावर ग्रिड. तो तीन ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए फंड किया है अराउंड 3000 करोड़ रुपया. इन तीनों के नाम आप याद रखना. Now next important point is Madhya Pradesh and Andhra Pradesh states recognized to complete following 3 reform. तो दोनों स्टेट ने मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश ने मिलकर कुछ 3 रिफॉर्म किए हैं. कौन कौन सी है वो देखते हैं. अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म है एक तो, और दूसरी है वन नेशन वन कार्ड रिफॉर्म. एंड थर्ड इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, मीन्स इकोनॉमी से रिलेटेड तीनों रिफॉर्म की गई है. और फोर्थ रिफॉर्म जो है इट इज स्टिमुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन पावर सेक्टर. तो फोर्थ जो है वो पावर सेक्टर में की गई है. तो ये चारों रिफॉर्म्स आपको ध्यान रखनी है. बिकॉज ये दोनों स्टेट जो हैं दिस दे कंप्लीटेड दिस रिफॉर्म एज दे आर एलिजिबल टू रिसीव स्पेशल असिस्टेंस ऑफ फंड ऑफ अराउंड 1004 करोड़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम. तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये स्कीम का नाम दे देंगे आपको कि स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडर स्कीम जो है इसमें कितना स्पेशल असिस्टेंस दिया गया है ये भी पूछ सकते हैं. और कौन कौन से 2 स्टेट्स को दिया गया है ये भी पूछ सकते हैं. या 4 रिफॉर्म कौन सी हैं ये भी पूछ सकते हैं. तो चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
और ये जो अमाउंट है इट कैन बी यूज बाय द स्टेट्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स विच आर रिलेटेड विद एजुकेशन हेल्थ पावर ट्रांसपोर्ट एंड दिस स्कीम इज फॉर कैपिटल एक्सपेंडर लॉन्च बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू बूस्ट द कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट्स. सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज टैक्स रिवेन्यू का शॉर्टेज हो गया था COVID-19 के टाइम पे, तो इसलिए ये रिफॉर्म्स की गई हैं. नाउ नेक्स्ट इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है एंड अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम दी साइन द MOU टू सेटअप 5 ड्राई फूड पार्क इन द स्टेट ऑफ MP. तो 5 ड्राई फूड पार्क जो है वो MP में एस्टेब्लिश किए गए हैं और ये पार्क जो हैं दीज आर रिलेटेड विद द रॉ मटेरियल फ्रॉम वंधन केंद्रास एंड आल्सो थ्रू द ट्राइब्स इंडिया स्टोर से यहाँ से मीन्स मटेरियल आएगा उसके लिए लॉन्च किया गया ताकि इसको ज़्यादा हेल्प मिल सके ट्राइबल एरियाज को. एंड पंडित सतीश व्यास जो एक संतूर वेरिटीज हैं ही अवॉर्डेड द तानसेन सम्मान 2020. तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि तानसेन सम्मान 2020 MP का है तो ये किसको मिला है, तो ये नाम याद रखना पंडित सतीश व्यास को. और ये इसमें कितना लाख रुपीज अवार्ड में दिया जाता है तो ये याद रखना 1,00,000 रुपया दिया जाता है. और ये कौन सी फील्ड में जाता है, हिंदुस्तानी म्यूजिक फील्ड में. एंड दिस संगीत तानसेन संगीत समारोह जो है ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पर हुआ है, ग्वालियर में नियर द टॉम्ब ऑफ तानसेन. एंड जॉइंटली ये किसने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकेडमी एंड डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ऑफ MP. एंड पंडित विद्यासागर अवार्ड वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द तानसेन सम्मान ऑफ 2019. सो ये दोनों का बता दिया मैंने, 2020 का भी पूछ सकते हैं और 2019 का भी पूछ सकते हैं. तो दोनों का आप नाम याद रखना, 20 में मिला है पंडित सतीश व्यास को और 2019 में पंडित विद्याधर को. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट इज अभिनव कला परिषद. सो अभिनव कला परिषद एक इंस्टीट्यूशन है फ्रॉम भोपाल विच वॉज कम्फर्ट विद राजा मानसिंह तोमर अवार्ड 2020. तो ये कौन सा अवार्ड देता है इंस्टीट्यूशन, राजा मानसिंह तोमर अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कल्चर फॉर अबाउट 52 ईयर्स. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो MP में एक सिटी है होशंगाबाद, इसका नाम जो है वो अब क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम. तो ये आ सकते हैं, तो CM of MP जो उन्होंने अनाउंस किया है होशंगाबाद विल बी रीनेम्ड एज नर्मदापुरम टू पे द ट्रिब्यूट टू द रिवर नर्मदा. तो रिवर जो है वहाँ पे नर्मदा, उसके नाम पे इनको ये ट्रिब्यूट दिया गया है सिटी को. एंड नर्मदा इज वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ दिस स्टेट, दैट्स वाई दिस इज डन. एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज भी आप याद कर लो यहाँ से, बुनहर, बंजर, तवा, कजान एंड और सैंग. सो फेमस अट्रैक्शन क्या है होशंगाबाद में ये भी मैं बता देती हूँ, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ पे हिल स्टेशन है पचमढ़ी, सतपुरा टाइगर रिजर्व भी है एंड विच इज आल्सो नोन एज नेशनल पार्क. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंडियन टॉय स्टोरी. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 8 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अनाउंस किए हैं इस प्लान के लिए और इसका कॉस्ट कितना है, 2300 करोड़ है. आउट ऑफ 8 प्लान्स 3 जो है दीज आर डेवलप्ड इन MP. तो 8 में से 3 तो MP में होंगे और 2 राजस्थान में होंगे और 1 ईच इन कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु. सो नेशनल एक्शन प्लान जो है इंडियन टॉय स्टोरी के लिए, इसका मेन एम आपको याद रखना है टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द टॉय इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना एंड ताइवान. सो जो चाइना से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं या फिर ताइवान से, तो उसको कम किया जाए और हमारे इंडिया में ये सब बने, इसलिए ये स्कीम लाए हैं, ये प्लान लाए हैं. और इस स्कीम में जो है अराउंड 35 क्लस्टर्स डेवलप किए गए हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन 13 फरवरी MP कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर उषा ठाकुर इनोग्रेटेड मांडू फेस्टिवल इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP. तो पूछ सकते हैं कि मांडू फेस्टिवल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो धार डिस्ट्रिक्ट में हुआ है. एंड इट इज़ एन एंशियंट फोर्ट सिटी, मांडू जो है एक एंशियंट फोर्ट सिटी है इंडियन स्टेट ऑफ MP की. एंड इट आल्सो नोन फॉर द अफगान आर्किटेक्चर हेरिटेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है. सो इस फेस्टिवल का मेन एम क्या है, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और जो वुड क्लॉथ हैं, फूड आइटम्स हैं, उन सब पे वोकल फॉर लोकल है. मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आर इंडिया इवन आत्मनिर्भर भारत आल्सो एंड इवन टू फैमिलियराइज द पीपल अराउंड द वर्ल्ड विद द लोकल कल्चर ऑफ MP. सो MP के जो लोकल कल्चर है उसको फैमिलियराइज करना है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसलिए ये फेस्टिवल किया गया था. एंड द थीम ऑफ इस फेस्टिवल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. थीम क्या थी, खोजने में खो जाओ, विच मीन्स फील लॉस्ट इन डिस्कवरिंग. तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. एंड ड्यूरिंग द इवेंट डायनो एडवेंचर पार्क और फॉसिल म्यूजियम जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एस्ट्रो पार्क वॉज आल्सो डन देयर.
सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मर इंडिया विकेट कीपर जो हैं, बैट्समैन भी हैं, नमन ओझा, ये एमपी से हैं। तो इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है क्रिकेट से एट द एज ऑफ 37। तो उनका नाम याद रखना, ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सी गेम से रिलेटेड है, नाम दे देंगे आपको। नमन ओझा इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स, तो याद रखना क्रिकेट। एंड ही वॉज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 3 formats एंड ऑल्सो रिकॉर्ड, तो इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं अराउंड डिसमिसल ऑफ 351 बाय विकेट कीपर इन रणजी ट्रॉफी में। और इनको जो है मध्य प्रदेश की तरफ से अवार्ड्स भी मिले हैं, तो इसलिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, जल अभिषेकम प्रोजेक्ट। सो दिस प्रोजेक्ट इज डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने इनोग्रेट किया अराउंड 57,000 वाटर स्ट्रक्चर इन द स्टेट ऑफ MP, ठीक है। और दीज वाटर स्ट्रक्चर दीज कम अंडर द जल अभिषेकम कैंपेन के अंडर आते हैं ये, एंड उनका कॉस्ट कितना, अराउंड मोर देन 2,000 crore। तो तीनों पॉइंट याद रखना, मेन तो कैंपेन का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर ये लॉन्च किया है, इनोग्रेट किया है, ठीक है। और कितने किए हैं, अराउंड 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स बनाए हैं MP में। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आइडेंटिफाइड 12 साइट्स अक्रॉस इंडिया एंड दीज आर टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो पूरे इंडिया में, भारत में 12 साइट जो है मिनिस्टर जल शक्ति ने आइडेंटिफाई किए जिनको स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा अंडर फोर्थ फेज ऑफ स्वच्छ आइकनिक प्लेसेस इनिशिएटिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ऑफ ग्रामीण। सो ये किसके अंडर आता है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंडर आता है। और MP से जो है फोर्थ फेज सांची स्तूपा को सिलेक्ट किया गया है इस मिशन के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना। एंड द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कोलेब्रेशन, कौन कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। अलॉन्ग विद द सांची स्तूपा के साथ साथ द सम साइट्स ऑल्सो सिलेक्टेड इन द फोर्थ फेज ऑफ इनिशिएटिव्स। एक तो सांची स्तूप हो गया, उसके साथ साथ और कौन सी हैं, अजंता केव्स हैं, सांची स्तूप तो बता दिया, कुंभलगढ़ फोर्ट है, जैसमाल फोर्ट है, एंड रामदेव दैट इज जैसलमार राजस्थान, गोलकुंडा फोर्ट, सन टेम्पल, रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, डल लेक, बांके बिहारी टेम्पल, आगरा फोर्ट एंड कालीगढ़ टेम्पल ऑफ वेस्ट बंगाल। सो ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि MP का पूछेंगे, बट MPPCS का एग्जाम है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि MP से क्या हुआ है, सांची स्तूप आप याद रखना सिलेक्ट हुआ है। Now come to next point, Geological Survey of India has found 3 fossils of the world oldest animal. So animal का नाम क्या है, Dickinsonia, which is dated 570 million ago, जो ये थे इनका fossil मिला है इस animal का, ये world का oldest animal है, तो ये नाम जरूर याद रखना, आ सकता है question। In the roof auditorium cave है Bhimbetka का rock shelter in MP, तो ये कहाँ पर मिला है, MP में मिला है, इसलिए question आएगा पक्का, Bhimbetka का rock shelter में मिला है। तो ये केव जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ऑलरेडी फॉर पैलियोलिथिक एंड मिजोलिथिक केव आर्ट के लिए, और दिस इज लोकेटेड एट द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। तो तीनों पॉइंट याद रख लो, Bhimbetka का रॉक शेल्टर्स कहाँ पर है, MP में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, और क्या मिला है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एनिमल के फोसिल मिले हैं यहाँ पे तीन, नाम क्या है, Dickinsonia। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, 47th खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है वो खजुराहो MP में बिगिन हुआ है एंड इट इज बेस्ड ऑन इंडियन क्लासिकल डांस ट्रेडिशन से रिलेटेड है ये, और किसने ऑर्गेनाइज किया है, कल्चर डिपार्टमेंट ने थ्रू उस्ताद अब्दुल्ला खान म्यूजिक एंड आर्ट एकेडमी ऑफ भोपाल। तो इस एकेडमी का नाम याद रखना, ये कहाँ पर है, भोपाल में है। और खजुराहो टेंपल कब बने थे, अराउंड 950 से 1050 AD में बने थे, और किसने बनवाए थे, बाय चंदेला रूलर्स। नेक्स्ट वन इज 24 member इंडियन शूटिंग टीम बैग हाइएस्ट नंबर ऑफ मेडल। तो 24 member इंडियन शूटिंग टीम ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स है 11, जिसमें से 4 gold हैं, 2 silver है और 5 bronze है इन फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं MP। सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कुवैत शूटिंग फेडरेशन, तो होस्ट कौन थे, कुवैत शूटिंग फेडरेशन थी, ऑनलाइन जो है ये हुआ है शूटिंग चैंपियनशिप। एंड मनीषा खीर जो है वो MP से हैं, शी वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन ट्रैप इवेंट। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये पूछेंगे पक्का, मनीषा खीर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, द ट्राइबल पेंटर भूरी बाई ऑफ मध्य प्रदेश इन्वाइटेड एज चीफ गेस्ट एट फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ भारत भवन। सो भारत भवन की जो सेलिब्रेशन है उसमें ट्राइबल पेंटर है, इनका नाम याद रखना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भूरी बाई जो है वो किससे रिलेटेड है, तो पेंटिंग या आर्ट कल्चर कुछ भी दिया होगा ऑप्शन में, तो आंसर याद रखना, पेंटर हैं ये।
So the construction of this building was started. She used to work here as a laborer on a daily wage of rupees 6. So इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं भूरी बाई को. इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. शिखर सम्मान मिला है इनको गवर्नमेंट ऑफ एमपी से 1986 में. अहिल्या सम्मान भी मिला 1998 में. रानी दुर्गावती अवार्ड मिला 2009 में. और पद्मश्री अवार्ड भी मिला इनको 2021 में. सो दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. शी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट इन एमपी आल्सो लॉन्च सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज द निमोनिया दैट इज सांस कैंपेन जो है ये स्टार्ट की है डिपार्टमेंट ऑफ एमपी ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने. इसका मेन एम क्या है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है उसको कम करना है ड्यू टू निमोनिया के कारण. जो मीन्स इन्फेंट की जो बच्चों की डेथ होती है उसको कम करने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है. तो ये किसने लॉन्च किया है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हर्षवर्धन है 2019 में उन्होंने इसको लॉन्च किया था टू चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्यू टू निमोनिया की वजह से जो हो रही है. और इसमें जो गवर्नमेंट है वो टारगेट कर रही है कि जो निमोनिया कॉज डेथ है उनको कम कर दे अराउंड 2025 तक टू लेस देन 3 डेथ आउट ऑफ 1000 लाइफ बर्थ. तो इसका टारगेट क्या है 2025 तक मीन्स 3 से कम डेथ होनी चाहिए 1000 लाइफ बर्थ में. अगर 3 से कम डेथ हो रही है तो ये टारगेट अचीव हो जाएगा बाय 2025 तक ही करना है. लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द एग्जाम मध्य प्रदेश बजट 2021-2022. सो बजट ऑलरेडी मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड कर रही है प्रीवियस में एमपी की पार्ट 3 में उसमें मैंने पूरा एमपी का बजट आपको कवर कराया है. तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में पूरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ. आप इसको कवर कर लीजिए बिकॉज बजट जो है वो करंट अफेयर्स का पार्ट भी है. सो इस बजट का साइज सबसे पहले आपको याद रखना है रुपी 2.41 लाख करोड़ है. खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो हेल्ड होने वाली एमपी में 2022 में होंगी. और बजट एलोकेशन जो है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए वो कितना है 35,353 करोड़ है. और बजट एलोकेशन फॉर भोपाल एंड इंदौर मेट्रो जो रेल प्रोजेक्ट हो रहा है उसके लिए कितना है 260 करोड़ है. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर डेवलप होगा? ओमकारेश्वर पे. नाउ नेक्स्ट इज सम्मान एंड मुस्कान अभियान जो है इसमें 1 महिला पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में टू रिकवर द किडनैप गर्ल अंडर द मुस्कान अभियान. तो मुस्कान अभियान पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है? टू रिकवर द किडनैप गर्ल्स के लिए. तो ये याद रखना है. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिंगल इमरजेंसी नंबर कर दिया गया है दैट इज 112 एंड द सिटीजन कैन अवेल द सर्विसेज ऑफ पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए. अब एक ही इमरजेंसी नंबर है 112. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो है द स्टेट गवर्नमेंट एम्फेसाइज अपॉन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें फोकस करेगी इस अभियान में. हेल्थ के ऊपर करेगी, एजुकेशन, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट इवन फॉर गुड गवर्नेंस के लिए. नाउ नेक्स्ट इज मिशन जल गन. तो मिशन जनगण जो है वो किसके लिए है? टू ईज द पब्लिक सर्विसेज फैसिलिटी फॉर कॉमन सिटीजन एंड सिटीजन वेलफेयर. तो जनगण से पता चल रहा है सिटीजन के वेलफेयर के लिए है ये प्रोग्राम. नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मिशन इज मिशन नगरोदय. तो नगरोदय जो है इसमें बजट एलोकेशन कितना किया गया? अराउंड 600 करोड़. एंड 2021-22 के जो बजट है इसमें टोटल 5200 किलोमीटर रूरल रोड्स कंस्ट्रक्टेड की जाएंगी विलेजेस के अंदर. एंड पोषण मटका स्कीम जो है इसमें 178 टन फूड आइटम्स जैसे कि सीरियल, पल्सेस, फ्रूट वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे. किसको? लैक्टेटिंग मदर्स को और गर्ल चिल्ड्रन को. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड इवन गवर्नमेंट प्रमोट करेगी स्कीम को लाइक कन्या संकर्त योजना एंड आदिवासी बालिका विज्ञान योजना एंड विद्यार्थी कल्याण योजना एंड विद्यार्थी कल्याण योजना रिलेटेड विद एससी स्टूडेंट्स आल्सो. तो ये सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं याद रखना. मिशन निर्मय निमिष इट इज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट विच प्रोवाइड क्वालिटी मेडिकेशन फैसिलिटी. तो इसमें मेडिसिन से रिलेटेड है ये. नाउ इसमें क्या होगा? 23 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए जाएंगे और 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज भी बनाई जाएंगी. कहाँ कहाँ पर? भोपाल, इंदौर, रीवा. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 3 मिशन निर्मय के अंदर कहाँ कहाँ पर 3 मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? भोपाल, इंदौर एंड रीवा. नाउ कम टू नेक्स्ट प्रोग्राम, एकतव्य प्रोग्राम. तो एकतव्य प्रोग्राम का मतलब है कि सिंगल सिटीजन डाटाबेस प्रोवाइड किया जाएगा इसमें. और एमपी गवर्नमेंट जो है वो डायरी ऐप भी बना रही है टू प्रमोट द पेपरलेस गवर्नमेंट के लिए. सो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स. परीक्षा पोर्टल भी एक है. इसमें क्या होगा कि ऑल सिटीजन सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड थ्रू दिस पोर्टल. तो ये सभी सिटीजन सर्विसेज के लिए परीक्षा पोर्टल बनाया जा रहा है.
तो ये सारी स्कीम्स मैंने आपको बता दी, इसमें से कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आएगी, आप अच्छे से उस वीडियो को सुन लेना और बाद में एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज भी कर लेना ये सारा। नाउ कम टू मिशन बोधी। मिशन बोधी में क्या है, गवर्नमेंट फोकस कर रही है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस के लिए है, फॉर वेरियस फैसिलिटीज लाइक आर्ट म्यूजिक स्पोर्ट्स विल बी प्रोवाइडेड। तो ये चिल्ड्रंस के लिए है मिशन बोधी, सभी फील्ड्स में उनके लिए डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने इनिशिएट किया है सीएम राइज स्कीम, विच अंडर 2,9200 सेल्फ कंटेन स्कूल बनाए जाएंगे इसमें। सीएम राइज स्कीम याद रखना, स्कूल्स में बनाए जाएंगे इसमें। फॉर दिस बजट एलोकेशन, और इसके लिए बजट एलोकेशन कितना है, 1500 करोड़ है। तो 9200 सेल्फ कंटेन स्कूल बनाएंगे, 1500 करोड़ है और नाम क्या है, सीएम राइज स्कीम। नाउ नेक्स्ट इज रुपी 26 करोड़ एलोकेटेड फॉर स्टार स्कीम। तो स्टार स्कीम क्या है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर द स्टेट। तो ये टीचर लर्निंग के लिए है ये स्कीम। नाउ नेक्स्ट इज ऑल रूरल स्कूल्स विल बी 100% इलेक्ट्रीफाइड इन अपकमिंग 3 ईयर्स। तो जितने भी गांव में स्कूल्स हैं उन सबको 100% मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी आने वाले 3 सालों में। और रुपी 40,958 करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए हैं फॉर एजुकेशन सेक्टर के लिए इन वेरियस स्कीम्स। तो एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया बजट में। एंड इवन अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम द प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज विल बी इंक्रीज बाय 25%। तो इंडस्ट्री पे भी फोकस किया गया है, इसका प्रोडक्शन जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 25% इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट इज ग्रामीण जल जीवन मिशन। सो ग्रामीण जल जीवन मिशन जो है इसमें पहले तो फंड याद रखना है 6,128 करोड़ है, और इसमें क्या किया जाएगा, 33 लाख डोमेस्टिक वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे स्टेट के अंदर। एंड नाउ नेक्स्ट इज इट इज प्रपोज टू स्टार्ट द जल जीवन मिशन अर्बन इन 2021-2022 के लिए स्टार्ट किया गया। एंड टोटल अवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, 21,361 मेगावाट। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कितना बजट में एलोकेट किया गया, 5,728 करोड़ रुपीज़। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, सोलर पार्क जो है वो कंबाइन कैपेसिटी के बनाए जाएंगे, कहाँ पर, नीमच सहजपुर अगर छतरपुर और मुरैना में, और कितना मेगावाट कैपेसिटी है, 4,500 मेगावाट कैपेसिटी। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क मैंने आपको बता दिया ओमकारेश्वर डैम पे है, नर्मदा रिवर पे है। जो कैपेसिटी जो है इसकी वो 600 मेगावाट है फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के लिए। और टोटल बजट एलोकेशन कितना है, 44,152 करोड़ है। और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में एक डायमंड म्यूजियम भी बनाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज इट इज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट रोप वे इन जटाशंकर छतरपुर। तो रोप वे कहाँ पर बनेगा, जटाशंकर छतरपुर में। अब गवर्नमेंट का एम है कि वो स्टार्ट करे यूजर बिजनेस इन 30 डेज अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द बजट। कम टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज पार्ट। तो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज के लिए कितना बजट एलोकेशन है ये पूछ सकते हैं, याद रखना 35,353 करोड़। कितना है, 35,353। और अभी तक एमपी को कृषि कर्मण अवार्ड जो है वो 7 times मिल चुका है। दिस अवार्ड इज फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड पल्सिस। तो गेहूं और दालों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है एमपी में, इसके लिए एमपी को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। सो ये दोनों पॉइंट्स आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट इज किसान कल्याण योजना। सो इसके अंडर क्या है, देर आर एवरी रजिस्टर्ड फार्मर जो हैं दे विल गेट रुपी 4,000 एनुअली। तो हर साल 4,000 रुपया दिया जाएगा हर एक रजिस्टर्ड फार्मर किसान को अंडर दिस स्कीम। एंड अराउंड 1,000 करोड़ जो है एलोकेट किए गए हैं फॉर लोन्स के लिए। ऑन 0% रेट पे लोन्स दिया जाएगा 1,000 करोड़ का। और 2,000 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए किसके लिए, मुख्यमंत्री फसल उपार्जन साहित्य योजना के लिए। सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ किसान कल्याण योजना, ये आप याद कर लो, फैक्ट पूछते हैं एग्जाम में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम भी जो इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या किया जाएगा कि स्टेट के अंदर इवन विद अलोंग अदर फैसिलिटीज के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज मार्केट लिंकेज ये सब डेवलप किया जाएगा इसमें। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है इसमें इनकम जो है फिशरमैन की वो डबल करनी है, इस स्कीम का मेन टारगेट यही है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, फिस्कल डेफिसिट जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए वो कितना एस्टिमेटेड है, ये आ सकता है पॉइंट, रुपी 2,17,123.17 करोड़। तो पॉइंट वन भी आपको याद रखना है, आता है क्वेश्चन।
एंड इवन इट इज 4.50% ऑफ एस्टिमेटेड ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, फिस्कल डेफिसिट भी पूछ सकते हैं इन रुपीज में, या फिर एस्टिमेटेड जीएसडीपी में कितना परसेंटेज है ये भी पूछ सकते हैं. तो 4.50% है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज किल कोरोना एक्सपीडिशन. तो इसमें क्या है, एक स्ट्रैटेजी है IITT आइडेंटिफिकेशन करना है, आइसोलेशन टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट इन मध्य प्रदेश टू किल कोरोना कैंपेन विच इज कंडक्टेड इन रूरल एरियाज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट. तो ये कब से कब तक हुआ, 24 अप्रैल से 9 मई तक हुआ था 2021 में, फॉर कंट्रोल ऑफ COVID-19 पैंडमिक. एंड दिस कैंपेन का मेन एम आपको लर्न रखना है टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन बाय सेपरेटिंग पोटेंशियली इन्फेक्टेड एंड कोरोना इन्फेक्टेड इंडिविजुअल फ्रॉम कम्युनिटी. सो जो इन्फेक्टेड पीपल है उनको कम्युनिटी से अलग रखना है, इसका मेन एम है. एंड इवन टू कंट्रोल द कोरोना इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है. ना जो सीएम है एमपी के, उन्होंने डेडिकेट किया है 985 कम्युनिटी काउ शेड्स बनाए हैं, कितनी कॉस्ट में, 260 करोड़ रुपए में, टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 145 कम्युनिटी काउ शेड बनाए हैं 50 करोड़ में ग्राम पंचायत ऑफ स्टेट में. सो ये एक स्टेट लेवल मिशन अर्थ प्रोग्राम है जिसके अंडर ये किया गया, और ये कहाँ पर हुआ है, मिंटो हॉल ऑफ भोपाल में. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मिस्टर डीसी सागर अवॉर्डेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कमेंडेशन लेटर दिया है इन्होंने, किसको, कॉन्स्टेबल मिस्टर सुनील श्रीवास्तव को 12 अप्रैल को. नाउ नेक्स्ट इज नेशनल पोएट प्रदीप सम्मान ईयर 2020-19 कम्फर्ट सीनियर हिंदी पोएट डॉक्टर कुंवर बेचैन जी हु पास्ड अवे ऑन 30 अप्रैल. सो ही मेड हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन हिंदी लिटरेचर, तो इनका नाम आप याद रखना. और ये पोस्ट ग्रेजुएट और PhD डिग्री मिली है इनको हिंदी लिटरेचर में. एंड इवन ही वॉज रिटायरिंग 2002 आफ्टर सर्विंग एज अ प्रोफेसर. तो इनको कौन सा सम्मान मिला है, नेशनल पोएट प्रदीप सम्मान मिला है. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, सीएम एमपी जो है उन्होंने इनोग्रेट किया कॉन्फ्रेंस ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए FPO के लिए एंड फॉर बेनिफिशियरी ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑन 3 अप्रैल. तो इसमें लाइवलीहुड मिशन जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए और 45 प्रोड्यूसर कैंपेन बनाई गई है. बस आप एनुअल टर्नओवर याद रख लो 379 करोड़ रुपीज़ है. और इसमें 39 एग्रीकल्चर क्रॉप बेस्ड कंपनीज को इंक्लूड किया गया है और प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन बेस्ड 4 कंपनीज को भी इंक्लूड किया गया है. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो एमपी टूरिज्म बोर्ड है उन्होंने प्रपोजल दिया है टू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फॉर इंक्लूजन ऑफ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एंड बेदघाट एंड लम्हेटा घाट जो है इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो प्रपोजल में ये कौन कौन सी है ये भी पूछ सकते हैं, सतपुड़ा बेदघाट एंड लम्हेट घाट. नेक्स्ट है आपका संभाल आपकी सरकार योजना, 4 मई को सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने ये डिस्ट्रीब्यूट किया है. बेनिफिट जो है अराउंड 17,000 बेनिफिशियरी ऑफ सांभल योजना, आपका सांभल योजना सरकार. एंड अंडर दिस जो जल कल्याण सांभल योजना है उसको भी इंक्लूड किया गया है, अराउंड 379 करोड़ जो दिए गए हैं विच आर गिवन टू बैंक अकाउंट जो दिए गए हैं, और 17,000 वर्किंग फैमिलीज जो हैं उनको वर्चुअली मीन्स प्रोवाइड किया गया है. और मुख्यमंत्री जन कल्याण सांभल योजना जो है वो किसके लिए है, To provide strength to poor working families in unorganized sector के लिए. तो इसका एम याद रखना है. और इसमें 2 लाख रुपया दिया गया है वर्किंग फैमिलीज को ऑन सिमिलर नॉर्मल डेथ्स एंड परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए. सो ये योजना आ सकती है, दोनों फैक्ट याद रखना. दिस आल्सो प्रोवाइड 1 लाख रुपये भी दिया जाएगा फॉर पार्शल परमानेंट डिसेबिलिटी और 5,000 रुपीज दिया जाएगा फ्यूनरल असिस्टेंस के लिए. नेक्स्ट स्कीम इज मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना. तो ये सितंबर 2020 को लॉन्च की गई है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स. और दिस स्कीम इज रिलेटेड विद फार्मर्स जिनको 4,000 रुपीज दिया जाएगा एवरी ईयर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ऑन द बिहाफ ऑफ एमपी गवर्नमेंट. और दिस फार्मर्स आर गेटिंग 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपी 2,000 एवरी ईयर अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपया दिया जाता है. और इसमें कितना दिया जाएगा, 4,000 रुपया दिया जाएगा हर साल. इन दिस वे फार्मर्स जो हैं दीज आर नाउ गेट अ टोटल ऑफ 10,000 रुपीज दिया जाएगा एनुअली किसान सम्मान निधि के अंदर इनको. नाउ नेक्स्ट इज विद्या आपके द्वार स्कीम. तो ये सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है.
जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष हैं श्री राम किशोर कवारे, उन्होंने लॉन्च किया ये विद्या आपके द्वार स्कीम, वर्चुअली लॉन्च किया इसको 7 मई को। एंड थ्रू दिस पेशेंट्स हैं वो कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से डायरेक्टली विद वीडियो कॉल, और अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर जो है वो इवन दे कैन ऑल्सो एबल टू कंडक्ट द वेरियस टेस्ट भी करा सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन डॉक्टर्स को, और डॉक्टर जो है उनको एडवाइस देंगे वीडियो कॉल पे। सो ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है एज ड्यूरिंग द पैंडेमिक ये स्कीम स्टार्ट की गई है, और 3 इसमें डिसिप्लिन इंक्लूड किए गए हैं आयुष, आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड यूनानी को। और सिटीजन जो है वो इसकी फैसिलिटी की एडवांटेज ले सकते हैं बाय डाउनलोडिंग द आयुष क्वेरे ऐप जो है से रिलेटेड है फ्रॉम द गूगल प्ले, इवन ऑन द एंड्रॉयड फोन आल्सो। सो दिस इज रिलेटेड विद द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष थ्रू टेली मेडिसिन ऐप आल्सो, तो ये इंपॉर्टेंट ऐप है, इसको लर्न रखना। नाउ नेक्स्ट स्कीम इज अंकुर स्कीम। सो अंकुर स्कीम किससे रिलेटेड है, सिटीजन्स को इसमें अवार्ड किया जाएगा फॉर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ड्यूरिंग द मॉनसून। सो मॉनसून के टाइम पे जो भी पेड़ लगाएंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा, एंड पीपल हु टेक इनिशिएटिव टू प्लांट द सैम्पलिंग्स विल बी गिवन प्राणवायु अवार्ड फॉर देयर पार्टिसिपेशन। तो ये स्कीम में प्राणवायु अवार्ड दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्कीम इज रिलेटेड विद टूरिज्म डिपार्टमेंट, एमपी टूरिज्म ट्रैवल शो द जिप्सी इसका नाम है, फॉर प्रमोशन ऑफ एमपी टूरिज्म। वर्ल्ड का फर्स्ट 4K इंटरनेशनल ट्रैवल चैनल है ट्रैवल एक्सपी, इसने प्रोड्यूस किया एक ट्रैवल शो जिसका नाम है जिप्सीज, बस ये याद रखना है आपको। और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ एमपी को लाइव करेगा फ्रॉम 8 मई से 29 जून 2021 तक किया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर जो है और सीनियर बीजेपी लीडर है लक्ष्मीकांत शर्मा, उनकी डेथ हो गई है एंड ही वॉज अ सीनियर बीजेपी लीडर फ्रॉम एमपी, एंड ही वॉज डाइड ड्यू टू कोरोना वायरस, एंड ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड एज अ MLA इन द इलेक्शन फ्रॉम 10th विधानसभा इन 1993। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है। और इनका टेन्यूर जो है ही वॉज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग MLA थे, एंड ही वॉज इलेक्टेड एज MLA फ्रॉम सिरोंज असेंबली सीट, 4 टर्म्स के लिए MLA रहे हैं, बस इनकी सीट याद रखनी है आपको, और ये कौन से नंबर के विधानसभा में इलेक्ट हुए थे ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्वालियर प्राची यादव। तो ग्वालियर की प्राची यादव है, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन पैराकोन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो पैरालंपिक्स। एंड प्राची यादव जो है ये कैनोइस्ट हैं फ्रॉम द ग्वालियर, एंड शी क्वालिफाइड इन द काया किंग एंड कैनोइंग फॉर टोक्यो पैरालंपिक ऑफ 2020, एंड शी विल ऑल्सो बी गिवन द ओनली एंट्री फ्रॉम इंडिया इन दिस कैटेगरी। सो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्राची यादव याद रखना, MP से हैं, और फर्स्ट टाइम अ प्लेयर फ्रॉम MP हैज क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स इन कायाकिंग कैनोइंग से रिलेटेड है। तो स्पोर्ट याद रखनी है, इवेंट याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज इंदौर फेमस लिटरेचरर हैं, पेंटर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, इनका नाम है श्री प्रभु जोशी। ये पास जो हुए हैं इंदौर में ड्यू टू कोविड, तो ये प्रभु जोशी जो है ये पेंटर हैं, ये पूछ सकते हैं, स्टोरी राइटर और एडिटर भी हैं, और इवन ऑल इंडिया रेडियो जो ऑफिसर भी रह चुके हैं, टीवी फिल्म प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, एंड ही वाज आल्सो अ पेंटर हु डिड अ ग्रेट वर्क इन द वाटर कलर्स में ही वर्क करते थे, और इनको ऑल इंडिया अवार्ड भी मिला है फॉर पेंटिंग ऑफ भारत भवन एंड MP साहित्य परिषद फॉर स्टोरी राइटिंग। सो हिज नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट स्कीम इज युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। सो दिस स्कीम इज स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक ऑफ COVID-19 फॉर कैंपेनिंग पावर टू द यूथ एंड टू प्रोवाइड देम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ COVID-19 फ्रेंडली बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन। एंड इसके डिपार्टमेंट आपको लर्न रखना है, तो इट इज डन बाय द कैंपेन इज डन बाय हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इन कोलेबोरेशन विद पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। Now come to next scheme, MSME Development Policy 2019. So this is issued with the objective of developing supportive and proactive ecosystem for development of micro, small and medium enterprises के लिए आई है, और इसमें new rules जो हैं allowed किए गए हैं for land under the administrative control of Department of MSME के लिए, and these rules will be called as Industrial Land and Building Allotment and Management to MP MSME Rule of 2021. Now come to next point, MP cabinet approved various points with regard with COVID-19 child welfare scheme.
सो चाइल्ड के लिए भी वेलफेयर के लिए एक स्कीम लाए हैं COVID-19 के टाइम पे MP गवर्नमेंट, एंड दिस स्कीम इज मेड फॉर चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स और गार्जियंस हैव डाइड ड्यू टू कोरोना इन द पीरियड फ्रॉम 1 मार्च to 30 जून, एंड फ्रॉम देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आल्सो. तो उनको एजुकेशन से रिलेटेड और फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी जिनके मीन्स पेरेंट्स की डेथ हो गई कोविड के कारण थ्रू दिस स्कीम. एंड इवन दे विल बी गिवन फ्री राशन दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन दी जाएगी फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, और 5,000 rupees दिया जाएगा पर मंथ टू ईच चाइल्ड बेनिफिशरी, और फ्री मंथली राशन दिया जाएगा गार्जियन को उनके अंडर नेशनल सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू, और फ्री एजुकेशन दी जाएगी फर्स्ट क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन असिस्टेंस. सो दिस इज वेरी गुड स्कीम फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ MP. नाउ नेक्स्ट इज अनिमिया मुक्त भारत अभियान. सो इसमें जो है MP ने फर्स्ट रैंक सिक्योर की गई है फॉर परफॉर्मेंस रिलेटेड विद अनिमिया मुक्त भारत अभियान. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और इसमें क्या हुआ है, दिस इज MP जो है वो फर्स्ट है इन द इंडेक्स ऑफ अनिमिया फ्री इंडिया फॉर 2020 से लेकर 2021 तक. और स्कोर भी याद रख लो 64.1 स्कोर है MP का, और उड़ीसा सेकेंड नंबर पे है जिसका स्कोर है 59.3, एंड थर्ड नंबर पे है हिमाचल प्रदेश. तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये तीनों आपको लर्न रखने हैं. और ये इनिशिएटिव किसका है, अनीमिया मुक्त भारत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विद यूनिसेफ के साथ है ये. तो इसमें जो है प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया जो है पूरी कंट्री में कम करना है, इसका मेन टारगेट ये है. और एनीमिया जो है उसको इंडिया में रिड्यूस करना है बाय 3% पर ईयर. तो हर साल जो है 3% एनीमिया के केसेस को कम करना है अमंग चिल्ड्रन एडोलेसेंट एंड वुमेन आल्सो. तो 15 से 49 ईयर्स तक की वुमेन के लिए भी ये है. तो ये तीनों को आप याद रखना कि कौन कौन से एज ग्रुप को इंक्लूड किया गया, टारगेट क्या है, कितना परसेंट है, और ये तीनों स्टेट्स की रैंक याद रखनी है इसमें. MP इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री फॉर प्रिपेयरिंग द राइट रिकॉर्ड्स अंडर द स्वामित्व योजना. सो स्वामित्व योजना किससे रिलेटेड है, टू प्रोवाइड द विलेजर्स ओनरशिप राइट दिया जाएगा विलेजर्स को ऑफ देयर पोजेशंस बाय सर्विंग द रूरल पॉपुलेशन इन द स्टेट. और राइट रिकॉर्ड जो है वो अराउंड 1,615 विलेजेस का स्टेट का इसमें इंक्लूड किया गया है स्कीम में. और 100% विलेजेस जो है हरदा डिस्ट्रिक्ट के उसको राइट रिकॉर्ड किया, मीन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, हरदा डिस्ट्रिक्ट में. एंड इवन द परसेंटेज ऑफ विलेजेस जिनको दिया गया वो कितने हैं, 41 विलेजेस हैं यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट MP के, ही इज एट द फोरफ्रंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द IRAD प्रोजेक्ट. तो इसमें क्या है, अराउंड 14,000 जो रोड एक्सीडेंट हैं स्टेट में वो रजिस्टर किए गए हैं इस ऐप में. तो इसको रोकने के लिए एक्सीडेंट जो हो रहे हैं स्टेट में उसके लिए इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है स्टेट के अंदर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज CM जो है MP के, उन्होंने अप्रूवल दिया है किसको, स्टेट पोषण नीति 2020. सो ये मिनिस्ट्री याद रखना है इसकी कौन सी है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोटेक्शन टू ऑल कम्युनिटीज ऑफ द स्टेट, एंड स्पेशली किस किस को कवर किया जाएगा, चिल्ड्रन को, वुमेन को और एडोलेसेंट्स को फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड टू मेक देम कैपेबल टू रियलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपोषित मध्य प्रदेश. नाउ जो CM है MP के, उन्होंने कहा है कि जो नर्मदा एक्सप्रेस वे है उसका वर्क कंप्लीट किया जाएगा, एंड विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम 17 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ MP. एंड अटल प्रोग्रेस वे भी जो है वो भी डेवलप किया गया है, ग्वालियर चंबल डिवीजन में आता है ये. एंड बोथ दिस प्रोजेक्ट्स जो हैं, दीज हैज ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इसमें हो गया फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्टेट के, और इससे जो है न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई हैं इन न्यू अर्बन एरियाज के अंदर. सो ये जो दोनों प्रोजेक्ट है अटल प्रोग्रेस वे, ये थ्रू कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, बस ये डिस्ट्रिक्ट याद रखना, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, भिंड मोरेना एंड श्योपुर डिस्ट्रिक्ट. और ये लोकेटेड है बिटवीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड आगरा कानपुर हाईवे के बीच में. और इसका लेंथ कितना है, 312 किलोमीटर रोड लेंथ है, और ये 153 विलेजेस जो हैं MP के उनसे क्रॉस करेगा, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, भिंड एंड मोरेना डिस्ट्रिक्ट के. और जो ये सब तो मैंने आपको अटल प्रोग्रेस वे के बारे में बता दिया, अब नाउ कम टू नर्मदा एक्सप्रेस वे. सो ये जो एक्सप्रेस वे है ये कनेक्ट करेगा स्टेट के कौन से नेशनल हाईवे को, NH-45E जो बिलासपुर रायपुर विशाखापट्टनम रूट पर है इन द ईस्टर्न बॉर्डर, एंड गुजरात जो है इसके वेस्ट में है. सो हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में या कोई भी रिलेटेड करंट से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है. नाउ नेक्स्ट इज इटारसी एंड कीरतपुर जो है
यहाँ पर लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउस हब जो है डेवलप किए जाएंगे नर्मदा एक्सप्रेस एरिया में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्कीम इज मुख्यमंत्री कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना। सो ये किस लिए लॉन्च की गई है, सीएम जो है एमपी की, उन्होंने लॉन्च की है फॉर वर्किंग रेगुलर परमानेंट वर्कर्स, डेली वेज अर्नर्स, एडहॉक कॉन्ट्रेक्चुअल, आउटसोर्स एंड अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एम्प्लॉयज जो है स्टेट के, एंड फॉर परमानेंट वर्कर्स आल्सो डेली सैलरीड पीपल। तो इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया, ये पूछ सकते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है क्या है, टू प्रोवाइड इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा टू फैमिली ऑफ सच गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जो भी ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं इनकी फैमिलीज को कोविड 19 के टाइम पे मीन्स इमीडिएट मीन्स डायरेक्टली उनको जैसे उनको कोई प्रॉब्लम होगी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, हु डाई ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड 19 या फिर उनकी इलनेस हुई आफ्टर रिकवरी विद इन द 60 डेज ऑफ बींग इन्फेक्टेड विद द कोविड 19। सो दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी कम इन एग्जाम। नेक्स्ट पॉइंट है एमपी की एथलेटिक्स एकेडमी प्लेयर है बबीता पटेल। सो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है पोल वोल्ट में। इवेंट जो हुआ है 60th नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो पटियाला पंजाब में हुई है। और विक्रम सिंह जो है जबलपुर की, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ऑफ 10,000 मीटर रेस में। सो इन प्लेयर्स के नाम आप याद रखना, इसमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। बबीता पटेल जो है वो एमपी स्टेट एकेडमी से हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और इनका रिकॉर्ड आप याद रखना पोल वोल्ट का कितना है, 3.40 मीटर, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बारिंका एलेन गोवन ऑफ तमिलनाडु वन द गोल्ड मेडल विद टाइम ऑफ 3.90 मीटर। और रोजी मीना पालराज जो है तमिलनाडु की, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो मेन बस दो नाम याद रखने हैं, एक बबीता पटेल का और एक विक्रम सिंह जो है, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है उन्होंने वर्चुअली इनोग्रेट किया है हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ नेफेड अक्रॉस 5 स्टेट्स। तो इसमें एमपी के मोरेना डिस्ट्रिक्ट जो है उसको भी चूज किया गया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 FPO अंडर द स्कीम। तो ये याद रखना मोरेना डिस्ट्रिक्ट में हुआ है FPO को। और अदर एरियाज जो कौन से हैं कंट्री में उसका भी याद रखना, नाम सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, ईस्ट चंपारण है बिहार में, मथुरा इन यूपी एंड भरतपुर इन राजस्थान। नेफेड जो है ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है फॉर दिस स्कीम, ये भी नाम याद रखना है। और सीएम ऑफ एमपी जो है उन्होंने गऊ कैबिनेट बनाया है इन द स्टेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द कैटल। तो इसमें 6 डिपार्टमेंट इंक्लूड किए गए हैं, ये सारे नाम याद रख लो। और फर्स्ट मीटिंग जो है गऊ कैबिनेट की वर्चुअली हुई है एट काम धेनु गौ अभ्यारण्य इन अगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में, एंड ऑल्सो द फर्स्ट काउ सेंचुरी भी इंडिया की यहीं पर बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना आप इसका, अगर मालवा डिस्ट्रिक्ट। नाउ सीएम ऑफ एमपी जो है उन्होंने वर्चुअली रिलीज किया है 3-year रोड मैप ऑफ आत्मनिर्भर एमपी 2023 फॉर विच पर्पस टू मेक स्टेट सेल्फ रिलायंट। और ये जो है इसका मेन फोकस किस किस पर है, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए, फार्म वेलफेयर, जॉब क्रिएशन एंड टू बूस्ट द इंडस्ट्री इन हेल्थ केयर एंड इवन टू इंश्योर 100% डोमेस्टिक टैप वाटर कनेक्शन, लोकल परचेजिंग ऑफ गुड एंड इक्विपमेंट एंड फॉर सेटिंग अप ऑफ ग्रीन कॉरिडोर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और ईयर याद रखना 2023 है। MSME कॉरिडोर भी बना जाएगा अलोंग चंबल एंड नर्मदा एक्सप्रेस वे पे और एनर्जी और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट करेगा ये। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राइबल प्राइड डे 2020 जो है वो एमपी में सेलिब्रेट किया गया है। और इसमें एमपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 15 नवंबर को एज अ ट्राइबल प्राइड डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे ऑन द एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट विल बी कम इन एग्जाम, तो आप इसको याद रख लो। JPSC में भी आ सकता है ये। 15 नवंबर को कौन से स्टेट ने जो है ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेट करने का काम किया, तो एमपी ने किया, एमपी में भी आ सकता है। और इनके लिए एक शॉर्ट फिल्म भी रिलीज की है सीएम ने जो है एमपी के, उनका क्या नाम है, रन बंकुरे, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द सेल्फ एस्टीम ऑफ द ट्राइबल हीरोज के ऊपर ये है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में जो एमपी के डिस्ट्रिक्ट है खांडवा और विजयन ग्राम ऑफ आंध्र प्रदेश, इन्होंने प्राइज जीता है फॉर वाटर कंजर्वेशन के लिए एट अ सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड ऑफ 2019। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू RBI रिपोर्ट ऑफ MP जो है वो अमंग 5 स्टेट्स हैं फॉर जनरेटिंग द हाइएस्ट MSME एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द कोविड 19।
सो COVID-19 के टाइम पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में एमपी जो है वो अमंग टॉप 5 स्टेट्स में आता है एमएसएमई के लिए। और टॉप 5 स्टेट्स के नाम याद रखना, पूछ सकते हैं, फर्स्ट महाराष्ट्र है, गुजरात, देन तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, पांचों के नाम याद रखना है। नाउ अकॉर्डिंग टू वोटर रिस्क फिल्टर, एक ऑनलाइन टूल डेवलप किया है वर्ल्ड वाइड फंड ने, 30 इंडियन सिटीज जो है वो फेस करेंगी इंक्रीज वोटर रिस्क बाय 2050, ये रिपोर्ट ने कहा है। और जनरली ग्लोबल जो पॉपुलेशन है वो हाई वोटर रिस्क एरियाज के अंडर आती है, विच इज राइजेस फ्रॉम, पहले 17% ही थे ये, अब वो जो है 2050 में वो कह रही 51% हो जाएंगे, मतलब वोटर स्कार्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड फूड पार्क जो है इट विल बी डेवलप्ड इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट, तो ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड फूड पार्क जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में एमपी की डेवलप किया गया, तो नाम है उमरिया, एंड इट विल बी द फर्स्ट एवर फूड पार्क एस्टेब्लिश इन द शेडोल सब डिविजन ऑफ उमरिया एमपी। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें फॉरेस्ट विलेज जो है वो ट्रांसफॉर्म किए जाएंगे इनटू द रिवेन्यू विलेजेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूनेस्को ने अलॉट किया है पन्ना टाइगर रिजर्व जो है एमपी को, उसको एज अ बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये कौन से नंबर का बायोस्फीयर बनेगा, 12th बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया आफ्टर पंचमढ़ी एंड अमरकंटक जो है वो ये थर्ड नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है जो एमपी से एज अ बायोस्फीयर स्टेटस जिसको मिला है। तो पहले दो कौन से, पंचमढ़ी और अमरकंटक, और थर्ड कौन सा हो गया, पन्ना हो गया। सो ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में एड हो गया, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पन्ना नेशनल पार्क की थोड़ा सा बता देती हूँ, ये सेटअप हुआ था 1981 में, और इसको स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व कब मिला था, 1990s में मिल गया था अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। नाउ करंटली 714 बायोस्फीयर रिजर्व्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि 129 कंट्रीज के अंदर हैं फ्रॉम द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। भोपाल जो है इट इज वन ऑफ द 4 सेंटर इन द कंट्री जहाँ पर वल्चर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा, तो वल्चर रेस्क्यू सेंटर के लिए भोपाल का नाम याद रखना है। एंड ये प्रपोज किया गया, अभी बना नहीं है, अदर लोकेशन जहाँ पे रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे वो कहाँ हैं, पिंजौर हरियाणा, HCS के एग्जाम के लिए याद कर लो, गुवाहाटी असम एंड हैदराबाद तेलंगाना, तो इसमें से भोपाल का नाम जरूर याद रखना है, MPPCS में पूछ सकते हैं। एंड दीज आर टू बी एस्टेब्लिश विद द एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-25, और इसको अप्रूव किसने किया, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये UPSC में भी आ सकता है, अदर स्टेट में कहीं पे भी पूछ सकते हैं इसको। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, अंडर द प्लान्स 5 स्टेट्स हैव बीन चूजन फॉर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द वल्चर्स, तो 5 स्टेट्स कौन सी है जो कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर्स के लिए चूज की गई है, उसका नाम भी याद रखना है। फर्स्ट उत्तर प्रदेश है, सेकेंड त्रिपुरा है, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ कर्नाटक एंड फिफ्थ इज तमिलनाडु। PM स्वनिधि स्कीम, एमपी जो है वो सेकंड नंबर पे है इन डिसबर्समेंट ऑफ लोन अंडर द प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, और इसका ओवर 1.25 लाख बेनिफिशरीज हैं स्कीम में। उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप परफॉर्मर है, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश आता है एंड थर्ड इज तेलंगाना, तो तीनों को आप याद रखना है, PM स्वनिधि स्कीम के अकॉर्डिंग टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स के नाम है UP, MP एंड तेलंगाना। नाउ नेक्स्ट इज लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है कल्चर एंड टूरिज्म मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है, ठीक है, इसका नाम याद रखना है, नेशनल म्यूजियम एंड गूगल आर्ट एंड कल्चर ने स्टार्ट किया है। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं नेशनल म्यूजियम में जो रखी होती हैं, दीज आर व्यूड वर्चुअली थ्रू गूगल आर्ट के थ्रू भी और कल्चर ऐप के थ्रू इसको हम देख सकते हैं। सो प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा फ्रॉम दामो कॉन्स्टिट्यूएंसी इन MP, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MPPCS एग्जाम। नेक्स्ट इज प्रवीर कृष्णा, तो प्रवीर कृष्णा जो हैं ये CEO ऑफ द ईयर एंड विजनरी लीडरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। एंड प्रवीर कृष्णा है कौन, ही इज द MD ऑफ ट्राइफेड, दैट इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की MD है, एंड ही इज अवॉर्डेड द CEO ऑफ द ईयर एंड विजनरी लीडरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कांग्रेस, जो कि वर्चुअली हेल्ड हुई है एंड नेशनल अवार्ड दिए गए हैं फॉर द एक्सीलेंस PSU के लिए इसमें। और प्रवीर कृष्णा जो हैं ये 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं फ्रॉम MP कैडर, सो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, PM ऑफ इंडिया जो है उन्होंने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड जो है लॉन्च किया है,
सो ये कार्ड जो है इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट फॉर ओनिंग द हाउसेज अंडर द सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद एम्पावरिश टेक्नोलॉजी इन द रूरल एरिया स्कीम. सो इसमें क्या किया जाएगा, जो रूरल इंडिया है उसको सेल्फ सफिशियंट बनाने के लिए ये फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा. ये प्रॉपर्टी कार्ड जो है ये मोर देन 1 लाख बेनिफिशरीज को दिया जाएगा इन द स्टेट ऑफ MP, हरियाणा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश में. सो नेक्स्ट इज गंदगी भारत छोड़ो. ये जो MP अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर है भूपेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है MP कैंपेन है ये फ्रॉम सागर इन MP. इसका मेन एम क्या है, फॉर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट क्लीनिनेस एंड टू बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक इन द मार्केट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन. नाउ नेक्स्ट इज दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम. सो ये रिलॉन्च की गई है विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाएगा टू द नीडी पीपल एट अ हाईली सब्सिडाइज रेट. और इसका डिपार्टमेंट जो है वो कौन सा है, फूड एंड सिविल सप्लाई इन अर्बन डेवलपमेंट है फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम. और फंड जो है वो अरेंज किए जाएंगे स्कीम थ्रू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो CM ऑफ MP जो है उन्होंने लॉन्च किया मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ऑन द लाइन ऑफ PM किसान की तरह है. जो अंडर द स्कीम में क्या है, अराउंड 6,000 rupees ट्रांसफर किए जाएंगे इन द फार्मर्स अकाउंट अंडर PM किसान स्कीम और एडिशनल 4,000 rupees भी ट्रांसफर किए जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग. सो ये कौन से डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड. पहले तो ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है ये एंड इट इज रिलीज बाय द BRAP रैंकिंग फॉर 2018 टू 2019 रिसेंटली. सो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें MP जो है उसको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला है इन द वेस्ट रीजन. सो MP की ओवरऑल रैंक कितनी है, 4th है और टॉप रैंक पे कौन है, आंध्र प्रदेश है. BRAP रैंकिंग जो होती है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है स्टेट के अंदर उसको रिप्रेजेंट करती है. और इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस जो है गवर्नमेंट की उसको मीन्स इंक्रीज जो स्टेट में हुआ है वो शो करता है ये रैंकिंग. एंड इवन द रेगुलेटरी फंक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस एंटरप्राइजेस. सो दिस इज गुड फॉर द बिजनेस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द स्टेट लेवल. नाउ MP वॉज द सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मर इन द रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया. सो इसमें इंडेक्स स्कोर कितना है, 0.526 है. ये रिपोर्ट प्रिपेयर किसने की है, मोबाइल क्रैशर्स ने. MP का जो टारगेट है फॉर द हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के लिए इन ऑल रूरल एरियाज अंडर जल जीवन मिशन वो कितना है, 2023 तक इसको कंप्लीट करना है टारगेट. और हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है उन्होंने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रूरल फैमिलीज जो MP उसके लिए बहुत सारे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टैप जो है कनेक्शन प्रोवाइड किए हैं. इवन जो टारगेट है इस स्कीम को कंप्लीट करने का रूरल एरिया में वो कब तक है, 2023. तो टारगेट याद रखना है और क्या किया जाएगा और किस स्कीम में किया जाएगा बस ये याद रखना है आपको. और ये स्कीम जो है इट इज़ द जल जीवन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है विच इज़ रीस्ट्रक्चर्ड एंड सब्ज्यूम कर दिया गया अंडर द नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंदर ऑफ जल जीवन मिशन. सो इसमें इसको जोड़ दिया गया टू प्रोवाइड द फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड. तो इसको और क्या कहते हैं, हर घर नल से जल. और इसका टारगेट कब तक है, जो ऑल इंडिया लेवल पे है 2024 है और जो MP में है वो 2023 है. बस ये दो पॉइंट याद रखते हैं. MP इज वन ऑफ द आउट ऑफ 9 स्टेट्स जहाँ पर बैम्बू क्लस्टर्स अनाउंस किए गए हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैम्बू रिलेटेड इंडस्ट्री. सो अदर स्टेट्स कौन कौन सी है, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड कर्नाटक. तो 9 स्टेट में से MP भी एक है बैम्बू क्लस्टर के लिए. नाउ नेक्स्ट इज MP में रिसर्च लैब बनाई जाएगी DRDO की. 2,000 crore rupees इसमें जो है इन्वेस्ट किया जाएगा विच विल बी ओपनड इन केलराज जरुआ रीजन ऑफ मोरैना. तो कहाँ पर की जाएगी, मोरैना डिस्ट्रिक्ट में. और 350 hectare लैंड इसमें यूज़ की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ फाउंडेशन स्टोन जो है फॉर सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स एट ग्वालियर वो कब बनाया जाता है, 26 September 2020 को. और ये जो है सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स जो कहाँ पर है, ग्वालियर में है. तो ये याद रखना है बस आपको. नेक्स्ट है MP स्टेट जूनियर एंड यूथ ऑनलाइन चेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है बाय MP स्टेट चेस एसोसिएशन ने. और इसमें मधवेंद्री एंड सीरा जो है वो चैंपियंस बनी है अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स कैटेगरी में. नेक्स्ट क्या है, एट द 6th राउंड इन बॉयज कैटेगरी मधवेंद्र प्रताप शर्मा जो है वो फर्स्ट है विथ 6 points और नव्य गोयल जो है वो सेकेंड पोजिशन पर है. गर्ल्स कैटेगरी में सेरा दगरिया का नाम याद रखना है.
नाउ कम टू नेक्स्ट, अंडर 18 में आयुष शर्मा जो है वो विनर हैं और प्रकार बजाज जो है रनर अप है। अंडर 16 में ओजस सिंह है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली मुंबई ईवे बनाया गया फॉर इंडियाज फर्स्ट 5 एनिमल ब्रिजेस एंड दिस प्रोजेक्ट टू बी कम्प्लीटेड बाय 2024। सो ये जो है 1320 का एक्सप्रेस वे है विच विल बी हैव इंडियाज फर्स्ट 5 एनिमल ओवरपास बनाया गया है विच विल पास थ्रू द स्टेट्स ऑफ, स्टेट्स के नाम याद रखना है, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, राजस्थान एंड हरियाणा। स्वच्छ भारत 2020 अवार्ड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जो काचरोड ब्लॉक है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट का, उसको फर्स्ट पोजीशन मिला है, ये नाम याद रखना है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट का है। सेकंड है चिन्नानोर विलेज है तमिलनाडु का, जिसको टॉप स्लॉट में ग्राम पंचायत लेवल पे सेकंड प्राइज मिला है। अर्लियर जो ये लॉन्च किए गए थे, गवर्नमेंट ने 3 मिशन बनाए थे, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय और सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत। तो इसमें क्या था, जो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी थी, इसमें गुजरात को फर्स्ट पोजीशन मिली थी, ठीक है, और तमिलनाडु का जो तिरुन वैली है वो सेकंड पोजीशन पे था क्लीनिनेस के लिए। तो स्वच्छ भारत अवार्ड बस ये याद रखना है, उज्जैन का आकाशकोट ब्लॉक जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, ये आ सकता है एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश इन NCRB क्राइम रिपोर्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टॉप पे है विद 18,916 केसेस, तमिलनाडु सेकंड पे है, थर्ड पे वेस्ट बंगाल है, फोर्थ पे मध्य प्रदेश है। तो NCRB क्राइम रिपोर्ट में फोर्थ रैंक है मध्य प्रदेश की, ये याद रखना है। उसके बाद अराउंड 49% ऑफ सुसाइड्स इन इंडिया होती हैं, इंडिया में कितने परसेंट सुसाइड होती है, 49%, और MP में फार्मर सुसाइड कितनी है पूरे इंडिया में, 5.3% है, विच वॉज हाइएस्ट फॉर महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड कहाँ होती है, महाराष्ट्र में। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में जो है हाईएस्ट रोड क्रैश डेथ ज़्यादा होती हैं, जो कि 15% है टोटल डेथ का, और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है, महाराष्ट्र आता है 9.4% के साथ, और थर्ड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। तो आपको MP का नाम याद रखना है और फर्स्ट वाले का नाम याद रखना है स्टेट का। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट है, इसका टाइटल क्या है, मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया, टाइटल याद रखना है। तो इसमें अराउंड हाईएस्ट नंबर 33,964 ऑफ द वुमेन जो है वो कंट्री के अंदर मिसिंग में है फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन जो है वो मैक्सिमम है कौन से स्टेट से, मध्य प्रदेश से हैं, ये 2016-17-18 का डाटा है। नाउ नेक्स्ट इज इन मध्य प्रदेश गरीब कल्याण वीक सेलिब्रेट किया गया विच इज ऑर्गेनाइज फ्रॉम 16 to 23 September। तो डेट याद रखनी है, क्या ऑर्गेनाइज किया, गरीब कल्याण, और किसके बर्थडे पे किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द फोर्थ डे ऑफ द वीक वन अधिकार दिवस सेलिब्रेट किया गया स्टेट में, मोर देन 23,000 फॉरेस्ट राइट पट्टा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 47 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। नाउ नेक्स्ट वन इज मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, तो ये भोपाल में है, इट इज द फर्स्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन द कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें ई ऑफिस सिस्टम बनाया गया है विच इज ऑपरेटेड फ्रॉम कॉरपोरेट ऑफिस टू लोकल लेवल ऑफिसेस, सो दिस इज वेरी गुड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। तो मैंने आपको पूरा 1 ईयर का जो भी MP करंट अफेयर से रिलेटेड है वो सब मैंने यहाँ कवर कर दिया, आपको अदर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के, तो आप इस बात को अच्छे से सुन लीजिए और इसी को रिवाइज करिए, पढ़िए, और जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं एज ऑलरेडी मैंने आपको 1, 2, 3 पार्ट प्रोवाइड कर दिया, 3 वीडियोज प्रोवाइड कर दिए हैं, अगर जिसने ये वीडियोज नहीं देखी हैं सो प्लीज़ गो टू playlist level and I will also provide link in the description box पे, आप यहाँ पे नीचे क्लिक करिएगा, आपको playlist मिल जाएगी जिसमें MP के तीनों parts होंगे। तो पहले part में मैंने पूरा MP का fact बताया है, important fact जो exam में आ सकता है, और पूरा history, geography और budget और economy cover करा दिया उसने, तो आप वो जरूर पढ़ लेना अगर आपको exam में 30 to 35 question सही करने हैं। और current affairs का ये video जो आज का है इसको ज़रूर सुन लेना, और अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है तो बार बार सुनिए वीडियो को,
पॉज कर करके सुनिए, नोट डाउन करिए, अपने नोट्स बना लीजिए या फिर वीडियो को बार बार सुनिए, तब भी आपको याद हो जाएगा. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो, फोर्थ वीडियो जो एमपी का रह गया है, दैट आई विल प्रोवाइड नेक्स्ट ईयर, और मे बी इन 1-2 डेज में आपको दे दूंगी. एज मैंने आपको बोला था 20 जुलाई तक मैं आपको सब प्रोवाइड कर दूंगी, तो कल वो वीडियो मैं आपको दे दूंगी. एंड आई विल कवर एमपी ट्राइब विद एससी एसटी एक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, और सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955 से भी क्वेश्चन आते हैं, और जो थोड़ा पार्ट्स है स्पोर्ट्स गेम्स और प्लेयर्स का और स्टेट ह्यूमन राइट का, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी. सो उस वीडियो से आपके 30-35 क्वेश्चन और प्लस जो करंट अफेयर्स आने वाला एग्जाम है वो सब कवर हो जाएगा. एंड फॉर रेस्ट वीडियोज ऑफ जीएस के लिए आप क्या करिए, आप जाइए मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, धाकड़ वीडियोस है, दिस इज वेरी वेरी गुड सीरीज फ्रॉम माय चैनल, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में हिस्ट्री पॉलिटी कवर करा चुकी हूँ. तो आप वहां से क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, पूरा वो वीडियो सुन लीजिए, वहीं से आपके सारे पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे. इवन फॉर साइंस एंड फॉर इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट के लिए मैंने हिट वन लाइनर प्रोवाइड किया, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको सुन लीजिए. तो आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप ये वीडियोस भी देख के चले जाएंगे, तो आप आराम से डेफिनेटली एमपी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ये श्योर है. सो आप इसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए, आफ्टर एग्जाम आपको पता चल ही जाएगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, होप सो यू आर लाइकिंग दिस. तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, प्लीज डू कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स. जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.